नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। जैसे कि बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है, ये जो चंद्र ग्रहण अभी होके गया है, आगे चल के ये महाविनाश का कारण बनेगा। तो साल में कई बार चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग हमें देखने को मिलेंगे, जबकि यह एक नकारात्मक संकेत है। जैसे कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि एक एक साल में कई कई बार जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य पराग वो पड़ेगा। मालिका में भी वही लिखा है, पंचसखाओं ने आज से 500 साल पहले यही लिखे हैं, कली के अंतिम कालखंड पर ऐसे ही बहुत सारे नकारात्मक संकेत देखने को मिलेगा। 13 दिन का पक्ष भी आएगा, कई बार जो है चंद्र ग्रहण सूर्य पराग वो आएगा, और संक्रांति और अमावस्या एक तिथि में भी पड़ेगा। तो खाली केवल ही पंचसखा नहीं, बल्कि बहुत सारे जो विश्व की अन्य जो भविष्य वक्ताएँ हैं उनका भी यही मानना है। इसी पर आज का चर्चा हमारे साथ जुड़े हैं कल्कलीला पुस्तक की रचयिता मालिका रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पंडा जी, आपका स्वागत करता हूँ। जय जगन्नाथ। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जी, ऐसा जोग अभी पढ़ रहा है अप टू 36 तक, 2036 तक, 2022 से 2036 की बात आप कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, महाभारत टाइम में भी नहीं हुआ था। कंटिन्यूसली 16 साल या 15 साल 2022 से लेकर 2036 तक हर साल में दो दो बार एक पक्ष में सूर्य पराग चंद्रग्रहण आएगा, 2037 से और नहीं है। दैट मीन्स उतना तक इतना लंबा ये एक पक्ष में चंद्रग्रहण सूर्य पराग कभी नहीं हुआ था, महाभारत टाइम में भी नहीं हुआ था, ये पहला बार आ रहा है। क्योंकि ये युग अंत का समय है, युग का अंत करने के लिए बहुत सारा चीज खत्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, तो उसके लिए हो रहा है। अच्छा, इसके लिए ये सब नकारात्मक संकेत जो है आ रहा है। और चंद्रग्रहण सूर्य पराग एक पक्ष में कभी कभी पहले 20 साल 15 साल में एक बार आता था, अभी हर साल दो दो बार 15 साल तक कंटिन्यूसली रहेगा, ये मुश्किल है। सेकेंड थिंग बोल देता हूँ मैं, हिंदू धर्म के अनुसार महालया अमावस्या और शरद पूर्णिमा, जो हम बोलते हैं कुमार पूर्णिमा अपने उड़िया में, जिसको हम लक्ष्मी पूजा ही करते हैं मानते हैं, 26 में भी यही होगा। अच्छा, 24 में भी वही होगा, सेम चीज सेम। हाँ, वाला अमावस्या में सूर्य पराग होगा, शरद पूर्णिमा में चंद्रग्रहण होगा, 2024 में जी भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सिलसिला जारी है अभी, ये बहुत नकारात्मक संकेत देता है। चंद्र लास्ट टाइम में चंद्रग्रहण हुआ था, उसके बाद भूकंप हुआ था, बहुत भूकंप हुआ था, बाढ़ आया था, सुनामी बहुत से देश में आया था। इस ये चंद्रग्रहण जो गया अभी, ये भी थोड़ा बहुत लाएगा, क्योंकि ये चंद्रग्रहण क्या है, ये सारा पृथ्वी को दर्शन दिखा देता है, एक देश या दो देश ही नहीं। और एक पिकुलर चीज़ है, आप बता देता हूँ, 2036 से जितना चंद्र ग्रहण सूर्य पराग आएगा, उसमें 90% अफेक्ट करेगा अमेरिका को, कनाडा उस एरिया को अफेक्ट करेगा, वो दृश्यमान होगा उधर। अच्छा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एवरी वे चंद्रग्रहण सूर्य पराग एक साथ जब पड़ते होते हैं, ये पंच तत्व को इफेक्ट करते हैं, पंच तत्व उसको इफेक्ट करते हैं, और उसका ऊपर जो इफेक्ट आता है वो विनाश का कारण होता है। सुनामी होगा, बाढ़ होगा, भूकंप होगा, आपका ये कहाँ कहाँ आपका भूस्खलन होगा, ये जो सब चीज होता है अभी, मतलब नेचर का जो बैलेंस है वो बिगड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, चंद्रग्रहण पर्टिकुलरली ह्यूमन मानी आदमी का मस्तिष्क को अफेक्ट करता है, नकारात्मक संकेत जो नकारात्मक लोग है, तो नेगेटिव टाइप का पर्सन जो है, हाँ, उसका नेगेटिविटी बढ़ेगा। अच्छा, उनका जो नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिव टाइप का माइंड आदमी है उसका पॉजिटिविटी कम होगा। अच्छा, ओके।
जो हरदम रहता है प्रभु की चिंता में उसको परिस्थिति बढ़ेगा। अच्छा, दैट इज ए गुड साइन। और जो बीच में है वो फंसेंगे, फंसेंगे। उस पर क्या होता है, आपका जो जान वाहन चलाते थे, एरोप्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया, पायलट हो गया, जो भी हो गया, हाँ, उन लोग का माइंड क्या फिट करेगा, जबकि वो एग्जैक्ट टाइम में करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अच्छा, जो क्रूशियल टाइम में, हाँ, नहीं ले पाएंगे, जबकि उनके ऊपर जो है डिपेंड करता है बहुत सारे जो मूल्यवान जो जीवन है उनके हाथ में होगा। उसी हिसाब से अभी देखिए, एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश में जो हुआ। इसमें और एक बात बोल देता हूँ, कुछ व्यक्ति ऐसा है, कुछ युवक मेरे ख्याल से वो है, ट्रेन एक्सीडेंट क्या मालिका में लिखा हुआ था, आप क्यों बोलते हैं? आप दूसरे को डराते हैं क्यों? बस एक्सीडेंट हो गया, आप लोग आदमी मर गया, ये क्या बालिका में लिखा हुआ है? प्लेन एक्सीडेंट हो गया, क्या मालिका में लिखा हुआ है? नहीं भैया, ये लिखा नहीं है। सच में ये क्यों लिखा होगा? ऐसे तो घटनाएं वो घटित होते रहते हैं, ऐसे टू द पॉइंट में अगर लिखा हुआ होगा तो पता नहीं कितने करोड़ ग्रंथ जो है उसका संख्या हो जाएगा। इसमें तो लिखते कोई लिखेगा नहीं ना, फलाना दिन में फलाना टाइम में प्लेन एक्सीडेंट होगा, ये तो मुश्किल है, कोई लिखेगा नहीं। हाँ, एक एक बहुत बड़ा बड़ा जो इवेंट है वो लिखा गया है। जैसे 1999 में एक चक्रवाती तूफान आया था, उसका महावात्या हम बोलते हैं, सुपर साइक्लोन, वो लिखा है 3 नवंबर को, ठीक है ना, बामर रखी, ये जो ओडिया में लिखा है। हाँ, पर्टिकुलर 1999 टाइम डेट एवरीथिंग बिल्कुल वो सब लिखा हुआ था। वो फ्राइडे हिट करेगा वो भी लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, जो तूफान आ गया पहले उत्तर तरफ गति करेगा, हाँ, फिर बाद में घूम के दक्षिण को आएगा, जो घूम के दक्षिण को आएगा और वो ज्यादा तबाही मचाएगा वो ये लिखा हुआ था। और ऐसा बात्या कोई नहीं देखा होगा। बिल्कुल 24 आवर्स कंटिन्यूसली बात्या रहा उड़ीसा में। सरकार के पास भी कोई आंकड़ा नहीं है एक्चुअली कितने लोगों की इसमें मौत हुई थी। सरकार के पास ये आंकड़ा भी नहीं है अगर जो सुपर साइक्लोन हुआ था उसका जो स्पीड कितना था। कुछ लोग बोलते हैं कि 350 था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो 400 से ऊपर भी था, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि 450 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो मतलब गवर्नमेंट के पास भी इसका आंकड़ा नहीं है कितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, कितने लोगों के जाने गए हैं, इसका आंकड़ा भी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, और बीच में जो 2019 में जो फनी साइक्लोन हिट किया था पुरी में, ये भी लिखा हुआ था। तो ये जो है हाँ, जो बड़ा बड़ा जो इवेंट है, बड़ा बड़ा ये जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इसके बारे में तो इसमें मालिका में लिखा गया है। लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं कि क्या ये आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन एक्सीडेंट था ये लिखा था, ये सब नहीं लिखा है, ठीक है ना। अगर किसी ने मुझे प्रमाण दे दो तो मैं मान जाऊँगा, लेकिन मैं दवा के साथ कह सकता हूँ ये सब चीज़ें लिखा नहीं है। बताइए सेकंड थिंग आपका बोलता मैं जो हम अभी डिस्कस किए कि नेगेटिव माइंडेड लोगों का मस्तिष्क के भ्रम और नेगेटिव हो जाएंगे, उसी के कारण में चंद्रग्रहण के बाद आप देखिए केरला में और रांची में बम विस्फोट हुआ, आदमी लोग मरे, बहुत लोग घायल हुए, ये बढ़ेगा अभी। दिस ये टाइप का जो चीज़ है वो बढ़ेगा। ये पहले बोला था जो ये जो झमेला जाति जाति बीच में जो झमेला है वो केरला से स्टार्ट होगा और केरला में भी ख़त्म होगा। जो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, मतलब जैसे कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है हमारा देश भारत, यही लाएगा गृह युद्ध, यही लाएगा नेचुरली। अब रिलीजन बीच में फाइटिंग होगा तो गृह युद्ध लाएगा ना। तो ये जब चीज़ बढ़ेगा अभी ये उसका फाउंडेशन हो गया, कपित हो गया, अभी ये बढ़ेगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जैसे कि मालिका में लिखा है कि धर्म के आधार पर लोगों में फाइट होगा, जातिवाद के आधार पर लोगों में आपस में भिड़ जाएंगे और देश के बीच में भी झगड़ा होगा। लेकिन मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि इसका ये शुरुआत हो गया अक्टूबर महीने से और आगे आ रहा है 2024 का चुनाव, क्या चुनाव के आते आते ये बहुत ही बड़ा रूप लेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका क्या मानना है? देखिए
अपना इलेक्शन तो 24 क्या हो रहा है, मई महीना में, मई के महीने में जल्दी भी हो सकता है, लेकिन हम मई के महीने में ओके 24/3/2024 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा मार्च के महीने में। अच्छा, दोलो पूर्णिमा के पहला दिन, जो पूर्णिमा दिन होली जो है, दोलो पूर्णिमा के दिन, होली का जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होगा। 8/4/24 उसका 14 दिन बाद पुण्य सूर्य पराग होगा। अच्छा, एंड फुल सोलर एक्लिप्स होगा। फिर और उसका बाद आपका इलेक्शन होगा। मार्च महीने की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, दो दिन 15 दिन बहुत 20 दिन अंदर होगा। जब सूर्य पर चंद्रग्रहण चलता रहेगा उस टाइम प्रचार चलता रहेगा। हाँ, रैली वगैरह इलेक्शन प्रचार चलता रहेगा, क्या होगा हालत। अच्छा, बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा हम लोग को सबको संयम रखना चाहिए। जैसे अभी अमेरिका में जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान का चला है, पैसा मिलता है, वो लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में गणहत्या चलता है, मुसलमान लोग को मार देते हैं। मतलब ये प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग इसका एक मतलब झूठी न्यूज़ का एक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि मैं बोलाना पहले से आपको बोला था, ये जो सब माहौल बनता है अभी, इसका एक ही लक्ष्य है, इंडिया में मुसलमान को मार देता है, चलो हम सब इंडिया का अटैक करेंगे। जैसा अभी कंडीशन इसलिए कैसे चल रहा है, ऐसा कंडीशन इंडिया को आने लाने में ये लोग सफल हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो एक पुराने वीडियो में भी आपने बोले थे कि ऐसा भी चुनाव के चलते एक समय ऐसा भी आएगा, एक बहुत बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर भी कुछ अटैक या इस टाइप का कुछ। Yes, I have told it. तो मतलब बोला है। आप ये किस आधार पर मतलब बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा एक्चुअली में, देखिए आपके हिसाब से। मालिका में लिखा नहीं है जी कि कोई ग्रंथ में मैं पढ़ा नहीं है, सब इनर कॉन्सेप्ट आया मुझे, ये भावना आया होने वाला है, बहुत भावना आया है कि ये हो सकता है, दैट पे हैपन, क्या होगा एक्चुअली में ये होने से क्या है। देखिए लोग का जो लोग चाहते हैं गड़बड़ हो, धर्म धर्म के बीच में झमेला हो, इलेक्शन में पहले उन लोग का एक ही लक्ष्य है, किसी एक पॉलिटिकल ये पार्टी का पोस्ट पर के पर्सन को मार देने से या उन्हें कर देने से एक बड़े पद पर जो विराजमान है बस वो होंगे टारगेट में, बस आइदर रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी, कोई भी हो, कोई टॉप लीडर को कोई मार देता है या कोई इंडेट कर देता है, उसके बाद अटैक कर देता है, तो क्या होगा, माहौल झमेला चालू होगा, थोड़ा बिगड़ जाएगा, खुद पूरा बिगड़ जाएगा, समर्थक है पूरा बिगड़ जाएगा, नाराज हो जाएगा। स्पेशली अगर कोई बीजेपी की गवर्नमेंट का कोई टॉप लीडर के ऊपर अटैक हो जाता है तो माल तो पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी इज देयर, जैसे मुझे ध्यान, मैं बोल रहा हूँ होगा, जैसे मुझे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इज देयर। जी जी जी, मैं पहले बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। आपको शायद ध्यान होगा कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो उस समय जो दिल्ली में जो माहौल बहुत ख़राब था, एक मतलब जो हम कह सकते हैं कि वायलेंस का माहौल जो है वहाँ पे बन गया था, जो सिख संप्रदाय के जो लोग थे बिल्कुल उनको टारगेट किए थे। ओ देखिए, वो चीज़ वो जो हुआ था वो कुछ नहीं जो होने वाला है। अच्छा, अभी जो होने वाला है उससे कई गुना बड़ा होगा, बहुत गुना बड़ा होगा, कुछ नहीं है बोला ना जी, ये कुछ नहीं है बिल्कुल, ये दो फ्रंट का बीच में फाइट होगा। अच्छा, कौन आएगा शासन में, बीजेपी आएगा या अपोजिशन पार्टी आएगा, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू कैप्चर। यस, ऐसा हालत आएगा, जो आ गया बाई चांस ये चीज तो हालत अपना देश का हालत बहुत खराब हो जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि कदापि ना हो अंत में, मतलब मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ भैया, लेकिन अपना आप में रहो, खुश रहो, खुशहाली में रहो, जैसा अभी आप रह रहे हैं खुशी हो के ऐसा ही रहो। तो इलेक्शन जो होता है होने दीजिए, जिसको वोट देना दीजिए,
लेकिन इसमें लिए हार्ड गोर मारपीट बम बम मार ये सब नहीं बात करिए, ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, सबको मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल देश को बचाइए पहले, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद गवर्नमेंट। देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। सही बात है। तो फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुमूल्य समय आपने दिए हमारे चैनल को और हमारे दर्शकों को आपने बहुत बढ़िया तथ्य दिए। तो आप अभी सुन रहे थे लंबे समय से श्री पुलिन बिहारी पांडा जी को, मालेगा रिसर्चर और कलकलीला पुस्तक की रचयिता। तो इधर समय कहेगा किस समय पर क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कीजिए लाइक। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ। जय पंत सखा। जय पंत सखा।